हमारी कॉफी। थैंक यू होमी। मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में तुम्हें अपनी दिल की बात सुनाने आया हूँ, ना कि तुम्हारी इससे शेड्यूलिंग देखने। राहुल समझने की कोशिश करो यार, एग्जाम करीब आ रहे हैं, मुझे दो तीन बार रिविजन करने की जरूरत पड़ती है। अब मैं तुम्हारी जैसे तो हूँ नहीं कि दो तीन महीने पहले किताबें खोली और हो गए जंक लेती यार। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरा दिमाग जरा कम है और मेरी मेमोरी भी काफी कम है यार, मुझे दो तीन बार रिविजन करना पड़ता है और पता है मैं एग्जाम टेंशन में नहीं दे सकता यार। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, मुझे भी मालूम मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। यू आर वेलकम। डॉक्टर रोमी, डॉक्टर राहुल प्लीज इमरजेंसी वार्ड में पहुंचिए। चलो भाई, ना तुम्हारी बातें हुई ना मेरी। लेकिन कॉफी यार, कॉफी तो पी के जाना चाहिए ना। चल यार, ये लोग ना पढ़ाई भी पूरी नहीं करने देते। तेरी पढ़ाई के चक्कर में बात भी होती। अरे डॉक्टर रोमी, डॉक्टर राहुल प्लीज इमरजेंसी वार्ड। इन लोगों का ना हमेशा रुक जाओ, वहीं वहीं रुक जाओ। तुम चुई क्या हुआ? उधर खड़े रहेगा, ठीक है? रुक जाओ, उधर ही खड़े रहेगा। देख तुम, ओ ओ ओ, मैंने किया उसको, वो मैंने किया, तुम लोग आएगा सर को भी मारेगा मैं। मैं तो चलो रुक गया। आने नहीं इधर है, मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी वहीं रुक जाओ, नहीं चमन वहीं रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ इधर जाने के लिए। चाकू है ना, मार देगा सर को मैं। खड़े रहेगा उधर। सर हम ऐसे पेशेंट को यहाँ रखेंगे सर? सर हीज सर, ये देखिए सर, मुझे कितना मारा सर, ये देखिए सर। और सर सर जुई जुई यह जुई ऑल्सो सर, ऐसे पेशेंट को यहाँ नहीं रहना चाहिए, बहुत वायलेंट है सर, कोई फायदा ही नहीं है बिल्कुल। सर किसी और पेशेंट को कुछ कर दिया इसने, किसी डॉक्टर को ऑफिस से मार दिया सर, आई डोंट थिंक इसको यहाँ रहना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं सर। ही शुड सर। लेकिन सर मैं ये केस जो ही वो हाथ साफ कर देना, बैंडेज कर देना। यस सर। यस सर। होमी मैं केस हैंडल करूंगा, किसी को मार देगा कुछ हो जाएगा, अगर मुझे मारे तो मेरा क्या होगा? डॉक्टर साहब, बचपन से श्रवण में ऐसी कोई खास कमी कभी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन वो एक लड़की से प्यार करने लगा था, उसको चाहने लगा था। वो कहता था कि माया अमेरिका जाना चाहती है और माया चाहती थी कि श्रवण भी उसके साथ चला जाए। माया भारत में रहना ही नहीं चाहती थी। तो आपने श्रवण को अमेरिका क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हमें माया की बातों पे यकीन नहीं था। तो उसने ड्रग्स लेने कब शुरू किया फिर? वही जब से हमने माया के बारे में ना कर दिया तब से, और जब अमेरिका चली गई किसी और के साथ शादी करके, तब से तो उसका ड्रग्स लेना ज्यादा ही बढ़ गया। ये श्रवण की माँ और मैं। पता है बाबा, कल मिले थे ना हम लोग। हाँ, मैं भी आपको मिलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारा श्रवण ठीक हो जाएगा ना? इकलौता बेटा है हमारा, बहुत मिन्नतों के बाद
ये आशीर्वाद हमें मिला है, अब हम उसे खोना नहीं चाहते। आप जो चाहेंगे वो सब हम दे देंगे। ममता, डॉक्टर साहब, हमारा श्रवण ठीक हो जाएगा ना? देखिए बाबूजी, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ श्रवण पे डिपेंड करता है। वो मानसिक तौर से कितनी जल्दी ठीक होना चाहता है, या ठीक होना भी चाहता है कि नहीं माँ जी? अब देखिए ना, कल उसने डॉक्टर जूही सिंह और मेरे साथ। डॉक्टर साहब, हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। बाबा आप क्या कर रहे हैं, माफी मांगने से कोई बात ही नहीं है। देखिए अब आप चिंता मत कीजिए, अब उसको संजीवनी में ले आए ना, बस अब हमारा काम है, श्रवण जरूर ठीक होगा। डॉक्टर साहब, वो आपका पेशेंट है ना? कौन? वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला, वो श्रवण सर। हाँ, वो भाग गया सर। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। जगदीश तो मेरे साथ चलो। मैडम आपने इसे देखा है? आपने वो देखा श्रवण को, वो जो श्रवण, श्रवण बेटे। अरे डॉक्टर शेट्टी, आपने वो पेशेंट को देखा, वार्ड नंबर 6 श्रवण? डॉक्टर साहब आपने इसे देखा है? श्रवण रुक जाओ, श्रवण रुक जाओ वहीं पे, श्रवण मैं कह रहा हूं रुक जाओ, श्रवण स्टॉप, श्रवण वहीं रुक जाओ, तुम हिलो मत, श्रवण श्रवण एक मिनट, यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ यही चाहिए ना, इसी के लिए भागे थे ना यहां से? मेरे को देना चाहिए तुम्हें, ठीक है करीब आके ले लो, आओ ना। आओ आओ ना, लो ना, आओ आओ ना। श्रवण क्यों लाए मेरे को इधर कैद करने में? श्रवण अपने बेटे को तड़पते देखते गया ना, कैसा था तेरा, मेरे को जाने दो मेरे को। श्रवण बेटे ऐसे मत बोल, हम तो तेरे माँ बाप है ना, आई बाबा है ना, थोड़ी तकलीफ सहन कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे शांति देनी थी तो मेरा घर जा देते ना, अरे मैं मर जाऊंगा उसके बाद बहुत शांति मिलेगी, अरे मेरे को मार दो ना तुम लोग, बस बहुत हो गया श्रवण। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो तो यहाँ चुपचाप लेटे रहो, डू यू अंडरस्टैंड मी? क्या तुम समझे? डॉक्टर साहब मैं आराम से रहूंगा, छोड़ दो, मैं आराम से रहूंगा। ये आदमी को इधर से निकालो, मेरे बाप को इधर से निकालो, इसका चेहरा नहीं देखना चाहता मैं। बस श्रवण को जीवन की छांव दी है, क्या यही सुनने के लिए, क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने संतान को जन्म देते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे श्रवण को बचा लीजिए, मेरे श्रवण को बचा लीजिए, मेरे श्रवण को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बाबूजी संभालिए अपने आप को, आप बाबूजी पता है
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कितनी भी आस टूट जाए, लेकिन उस ऊपर वाले पर भरोसा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके पास होता है बाबूजी। कभी ना कभी किसी तरह एक रोशनी की किरण जरूर देता है, जिससे जिंदगी के सब अंधेरे दूर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों को फोन करना चाहता हूँ। सॉरी श्रवण, तुम कोई टेलीफोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रवण, अगर मैंने तुम्हें टेलीफोन करने दिया और तुम्हारे दोस्तों ने खाने के लिए तुम्हें बाहर बुला लिया, किसी और बहाने से बाहर बुला लिया, तुम तो ट्रीटमेंट छोड़ के भाग जाओगे, मैं क्या करूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बाऊजी का टेलीफोन नंबर दे दो दोस्तों के, उनको बुला लेंगे। क्यों माँ जी? बिल्कुल। हाथी घोड़ा पालकी बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।